सिंगल अंक है वो एक से नौ तक अंक है और उसके बाद में होता है जीरो, तो मैंने यहां जीरो लिख दिया। तो एक से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। अब मैं एक से नौ को, ये 109 गिनती मुझे याद हो गई, अब इसी गिनती को मैं आगे 9 बार और लिख दूं अर्थात 10 बार ऐसी ऐसी सेम गिनती को, यानी 109 तक, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, ऐसे ऐसे मैं 1 से 9 तक लगातार गिनती लिख दूं। और 9 के बाद में हमारे को कुछ नहीं आता है, 9 से आगे क्या है तो हमने लिख दिया जीरो। अब 1 से 9 तक तो ये गिनती हो गई। अब चूंकि पहला अक्षर 1 है तो 1 से 9 के बाद में जो अगली लाइन है उन सब लाइनों के ऊपर आप 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और आगे लिख दो जीरो। फिर तीसरी लाइन, तो ये पहली 1 से 9 थी तो दूसरी लाइन के ऊपर सबके ऊपर पहला अक्षर अर्थात हमने सबके ऊपर 1 1 लिख दिया। अगली लाइन के ऊपर अगला शब्द 2 तो हम सबके ऊपर लिख देंगे 2 2 2 दो 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 और दो और आगे जीरो लेके छोड़ देंगे। अगला अक्षर 3 है तो हम सबके आगे लिख देंगे 3 3 3, यानी 1 से 9 तक जो गिनती है आगे जीरो लेके छोड़ देंगे। 3 के बाद में अगला अक्षर है 4 तो हम 4 लिख देंगे, सब जगह 4 4 लिखते जाएंगे और आगे जीरो लेके छोड़ देंगे। 4 के बाद में 5 आता है क्योंकि 1 से 9 तक गिनती हमें आती है तो हम सब जगह लिख देंगे 5 5 5 5, सब जगह 5 5 लिखते जाओ। 5 5 लिख दिया, आगे 0 लिख छोड़ दिया। 5 के बाद में 9 तक गिनती हमको आती है तो 5 के बाद में 6 आता है तो हम लिख देंगे 6 6 6 6 6 6 6, आगे 0 लिख दिया। 6 के बाद में 7 9 तक गिनती हमको आती है तो 7 7 सब जगह जो 1 से 9 तक गिनती हमने लिखी है यानी 9 तक हमको आती थी और अगला जीरो लिख दो। 7 के बाद 8 आता है, हमने 8 लिख दिया तो हम 8 8 पूरा लिख देंगे 9 बार। तो जो गिनती हमें आती थी 1 से 9 तक आगे जीरो लिख दिया। 9 के बाद में 10 आता है, हमने 10 लिख दिया, 9 9 लिखते जाएंगे। 9 के पूरे होते ही 9 के बाद में 0 आता है तो हमने 0 लिख दिया। अब जो गिनती हमको 1 से 9 तक आ रही थी उसके बाद में नहीं आ रहा था, हमने 0 लिख दिया और उसी गिनती को 9 बार और अर्थात टोटल 10 बार हो गई। और अगर गिनती करेंगे तो 10 लाइनें हो गई, 100 तक हो गई। अब यहां से गिनती शुरू करो, 0 0 सब जगह लिखा हुआ है, गिनती शुरू करो 9 के बाद में, यानी गिनती यहां से शुरू करो 9 के बाद, यानी पहला ही पहला अक्षर क्या है 1, दूसरा अक्षर क्या है 2, आगे क्या है 3, आगे क्या है 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9 और 9 के बाद में 10। 1 0 पहले का लिखा हुआ था अर्थात 100। ये 1 से 100 तक गिनती लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। जो छोटे बच्चे 1 से 9 तक अंक सीख लेते हैं जो कि सिंगल अंक होते हैं 1 से 9 तक और उसके बाद में 0, यानी 1 से 9 तक सिंगल अंक है और अब आप 100 तक गिनती लिखना चाहते हो तो 1 से 9 को बच्चे को बोलो 9 बार और लिख दे अर्थात 10 बार इन गिनती को लिख दिया कॉलम बना करके। छोटे बच्चों की समझ की दृष्टि से आप इसके बीच में कॉलम बना दें तो और सुंदरता बढ़ेगी और बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे और अपनी लाइन के बीच में अपने अक्षरों को आराम से लिख सकते हैं जहां भी, तो आप उस लाइनों को कॉलम के अंदर भी लिख सकते हैं। और एक शानदार जो बच्चों की टेबल जो है वो बन जाएगी, उस टेबल के अंदर सारे अक्षर होंगे और 100 तक गिनती की एक शानदार टेबल बन गई। 100 तक गिनती, 100 तक गिनती, यानी जिन बच्चों को 1 से 9 तक नंबर याद हो गए, 1 से 9 तक नंबर जिन बच्चों को याद हो गए, जिन बच्चों के 1 से 9 तक नंबर सिंगल अंक है वो 1 से 9 तक अंक है और उसके बाद में होता है जीरो, तो मैंने यहां जीरो लिख दिया। तो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
अब मैं 1 से 9 को, ये 109 गिनती मुझे याद हो गई, अब इसी गिनती को मैं आगे 9 बार और लिख दूं, अर्थात 10 बार ऐसी ऐसी सेम गिनती को, यानी 109 तक, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, ऐसे ऐसे मैं 1 से 9 तक लगातार गिनती लिख दूं, और 9 के बाद में हमारे को कुछ नहीं आता है, 9 से आगे क्या है तो हमने लिख दिया 0। अब 1 से 9 तक तो ये गिनती हो गई। अब चूंकि पहला अक्षर 1 है तो 1 से 9 के बाद में जो अगली लाइन है उन सब लाइनों के ऊपर आप 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और आगे लिख दो 0। फिर तीसरी लाइन, तो ये पहली 1 से 9 थी, तो दूसरी लाइन के ऊपर सबके ऊपर पहला अक्षर अर्थात हमने सबके ऊपर 1 1 लिख दिया। अगली लाइन के ऊपर अगला शब्द 2, तो हम सबके ऊपर लिख देंगे 2 2 2 2 2 2 2 और 2 और आगे 0 लेके छोड़ देंगे। अगला अक्षर 3 है तो हम सबके आगे लिख देंगे 3 3 3, यानी 1 से 9 तक जो गिनती है आगे 0 लेके छोड़ देंगे। 3 के बाद में अगला अक्षर है 4, तो हम 4 लिख देंगे, सब जगह 4 4 लिखते जाएंगे और आगे 0 लेके छोड़ देंगे। 4 के बाद में 5 आता है, क्योंकि 1 से 9 तक गिनती हमें आती है, तो हम सब जगह लिख देंगे 5 5 5 5, सब जगह 5 5 लिखते जाओ, 5 5 लिख दिया, आगे 0 लिख के छोड़ दिया। 5 के बाद में 9 तक गिनती हमको आती है, तो 5 के बाद में 6 आता है, तो हम लिख देंगे 6 6 6 6 6 6, आगे 0 लिख दिया। 6 के बाद में 7 9 तक गिनती हमको आती है, तो 7 7, सब जगह जो 1 से 9 तक गिनती हमने लिखी है यानी 9 तक हमको आती थी, और अगला 0 लिख दो। 7 के बाद 8 आता है, हमने 8 लिख दिया, तो हम 8 8 पूरा लिख देंगे 9 बार। तो जो गिनती हमें आती थी 1 से 9 तक, आगे 0 लिख दिया। 9 के बाद में 10 आता है, हमने 10 लिख दिया, 9 9 लिखते जाएंगे। 9 के पूरे होते ही 9 के बाद में 0 आता है, तो हमने 0 लिख दिया। अब जो गिनती हमको 1 से 9 तक आ रही थी उसके बाद में नहीं आ रहा था, हमने 0 लिख दिया, और उसी गिनती को 9 बार और, अर्थात टोटल 10 बार हो गई। और अगर गिनती करेंगे तो 10 लाइनें हो गई, 100 तक हो गई। अब यहां से गिनती शुरू करो, 0 0 सब जगह लिखा हुआ है, गिनती शुरू करो 9 के बाद में, यानी गिनती यहां से शुरू करो 9 के बाद, यानी पहला ही पहला अक्षर क्या है 1, दूसरा अक्षर क्या है 2, आगे क्या है 3, आगे क्या है 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, और 9 के बाद में 10, 1 0 पहले का लिखा हुआ था, अर्थात 100। ये 1 से 100 तक गिनती लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। जो छोटे बच्चे 1 से 9 तक अंक सीख लेते हैं, जो कि सिंगल अंक होते हैं 1 से 9 तक, और उसके बाद में 0, यानी 1 से 9 तक सिंगल अंक है, और अब आप 100 तक गिनती लिखना चाहते हो, तो 1 से 9 को बच्चे को बोलो 9 बार और लिख दे, अर्थात 10 बार इन गिनती को लिख दिया कॉलम बना करके। छोटे बच्चों की समझ की दृष्टि से आप इसके बीच में कॉलम बना दें तो और सुंदरता बढ़ेगी, और बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, और अपनी लाइन के बीच में अपने अक्षरों को आराम से लिख सकते हैं जहां भी, तो आप उस लाइनों को कॉलम के अंदर भी लिख सकते हैं, और एक शानदार जो बच्चों की टेबल जो है वो बन जाएगी, उस टेबल के अंदर सारे अक्षर होंगे, और 100 तक गिनती की एक शानदार टेबल बन गई।